Welcome to Abhipedia guys. Myself Dr. Dharmendra and today I am going to discuss another important topic that is EVM versus RTI. Abhi recently Delhi High Court ne declare kiya that EVM is not part of RTI. Now the thing is this issue is very important from prelim perspective as well as mains perspective. So recently maine ek aur video banayi thi RTI that is CGI under RTI. To uske andar maine sara RTI ke bare mein discuss kiya tha. तो इस टॉपिक का एम थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर वीडियोस कि हमने मैं ट्रेस करूंगा कि ईवीएम की हिस्ट्री कैसी है क्योंकि बहुत बार यूपीएससी के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ वेयर यूपीएससी आस्क द क्वेश्चन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर थिंग तो हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको है बट वी नीड टू नो द हिस्ट्री ऑफ आरटीआई सॉरी ईवीएम कि ईवीएम कहाँ से स्टार्ट हुई फर्स्ट टाइम इलेक्शन कहाँ पे हुए तो वो सारी मैं ट्रेस करूंगा लेकिन जो करंट इशू है दैट इज के पहले जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो बोलता है दैट ईवीएम इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज वेरी मच डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 2 ऑफ आरटीआई तो सेक्शन 2 आरटीआई के अंदर जैसे अगर बोलते हैं कि आरटीआई की इंफॉर्मेशन जैसे बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है सो आरटीआई के अंदर सेक्शन 2 के अंदर राइट सेक्शन 2F के अंदर इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन दी गई है कि इंफॉर्मेशन होगी क्या ठीक है किस चीज को हम इंफॉर्मेशन कहेंगे वो स्लाइड के अंदर मैंने लिखी हुई है दैट एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स ईमेल ओपिनियन लॉग बुक ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट पेपर सैंपल्स मॉडल एंड डेटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एक्सेट्रा तो ये सारी इंफॉर्मेशन है मतलब अगर किसी भी इस फॉर्म में या थोड़ी सी और भी इसकी डेफिनेशन है जिसके अंदर और भी चीजें आती है कोई भी इसकी फॉर्म में अगर हुआ तो उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये बोलता है कि भाई जो इसके अंदर मैंने रेड कलर का किया हुआ है सैंपल्स एंड मॉडल जो है वो ईवीएम उसका पार्ट है सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट के जो इंफॉर्मेशन आरटीआई के अंदर डेफिनेशन दी गई है सैंपल्स एंड मॉडल ईवीएम को रिप्रेजेंट करते हैं सो ईवीएम इज पार्ट ऑफ आरटीआई उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको निग्लेक्ट कर दिया ठीक है नाउ द थिंग इज इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि ईवीएम इज नॉट मेंटेन्ड एज सैंपल और मॉडल ठीक है तो कहता है ये इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि ईवीएम पार्ट नहीं है सैंपल मॉडल का सो इट मींस कि ईवीएम इज नॉट पार्ट ऑफ सेक्शन 2F राइट नाउ आर्टिकल 324 भी बोलता है दैट ऑल ईवीएम आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन तो अगर हम ईवीएम को मान लो इंफॉर्मेशन रिवील कर दे कल को कोई पूछे कि ईवीएम के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम क्या यूज कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इट इज वेरी हार्ड टू मेंटेन द फेयर इलेक्शन ठीक है तो इलेक्शन फेयरनेस नहीं रहेगी क्योंकि कल को कोई भी टेम्पर कर सकता है उसको सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये सारा इशू है नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ ईवीएम ओके नो फर्स्ट 1892 के अंदर लीवर वोटिंग मशीन यूज हुई थी न्यूयॉर्क के अंदर जिसके अंदर हम लीवर को खींचते थे और वोटिंग होती थी उसके बाद 1960 के अंदर पंच कार्ड वोटिंग सिस्टम आया इन यूएस देन एमबी हनीफा उसने सबसे पहले इन्वेंटेड की इंडियन वोटिंग मशीन राइट सो 1981 के अंदर परावूर केरला के अंदर सबसे पहले ईवीएम से बाय इलेक्शन हुए राइट नो उसके बाद 1982 केरला के अंदर जब बाय इलेक्शन हुए देखो अब उसके उस टाइम के ऊपर ये ईवीएम वाज नॉट पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट निग्लेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला उसको नल एंड वॉइड कर दिया भाई ये इलेक्शन फेयर नहीं है क्यों क्योंकि ईवीएम को हमने उसके एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया था देन सेक्शन 61A के अंदर गवर्नमेंट ने अंडर आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर ईवीएम को डाला और लिखा ईवीएम फॉर यूज इन इलेक्शंस राइट उसके बाद एक कमेटी है नो दिस कमेटी इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम पर्सपेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर पूछता है कि ये कमेटी या ईवीएम से रिलेटेड कौन सी कमेटी है सो संपत कमेटी आई फॉर ईवीएम टेम्पर प्रूफ के ईवीएम को हम टेम्पर प्रूफ बनाए ठीक है ताकि उसको कोई टेम्पर ना कर सके देन 1992 के अंदर भी हमने एक अमेंडमेंट की 1998 हमने बैलेट पेपर का यूज करना बंद कर दिया ओके देन 2004 के अंदर जनरल इलेक्शन के अंदर ई डेमोक्रेसी फर्स्ट टाइम हमने पूरे इलेक्शन के अंदर ईवीएम को यूज किया देन इन 2005 उसके अंदर इंदिरा सेन कमेटी फिर एक आई
ठीक है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देन वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट रेट। अब देखो ईवीएम पहले यूज हो रही थी, बहुत सारे इशू आए कि भाई ईवीएम को आप टेम्पर कर सकते हो, और आपने रिसेंटली भी सुना होगा हर साल जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो पार्टी हारती है वो बोलती है कि ईवीएम इज नॉट वी कैन से दैट मच राइट फेयरनेस इन ईवीएम, तो बैलेट पेपर का यूज करना चाहिए, ये सारा बोलते हैं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है ईवीएम को हम और ज्यादा वी कैन से ऑथेंटिक बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वीवीपैट। वीवीपैट है क्या ये मैं आगे बताऊंगा, जिसके अंदर एक पेपर निकलता है, जैसे आपने वोटिंग किया तो एक पेपर निकलेगा उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, सिंबल होगा, पर्टिकुलर कैंडिडेट का नाम होगा, ठीक है, और पार्टी का होगा, तो उसके अंदर सीरियल नंबर रहता है, तो वो एक आपको पेपर दिखेगा, जैसे मैंने ए पार्टी को वोट की तो ए पार्टी के वो कैंडिडेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, 7 सेकंड के लिए वो रहती है एंड देन वो एक बॉक्स के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब वीवीपैट भी आ गया, इट मीन्स कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है देन आप वीवीपैट को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वो पेपर जो जिसके अंदर नाम लिखा है तो ईवीएम से कंपेयर कर सकते हो ये सिस्टम। नो दिस हेल्प टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी इन कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ओके, देन 2013 के अंदर फर्स्ट टाइम वीवीपैट यूज हुआ, कहां पे, नागालैंड के नॉक्सेन असेंबली के अंदर, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम पर्सपेक्टिव। देन 2014 के अंदर लोकसभा के अंदर लिमिटेड सीट्स के अंदर यूज हुआ वीवीपैट, एंड आफ्टर दैट द रीसेंट इलेक्शन के अंदर ऑल सीट्स के अंदर हमने वीवीपैट को यूज किया। नाउ द थिंग इज कि ईवीएम को बनाता कौन है, ईवीएम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोनों हेल्प करते विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वेयर एज ईसीआई इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी। एक ईवीएम के अंदर हम मैक्सिमम वोट कर सकते हैं, दैट इज 3840 वोट कर सकते हैं, एंड वन यूनिट के अंदर जो आप देखते हो वहां पे एक यूनिट के अंदर कितने कैंडिडेट के नाम आ सकते हैं 16। सो प्रीवियसली क्या होता था कि 16 कैंडिडेट के नाम आए और 4 यूनिट हम उसके साथ अटैच कर सकते थे, सो मैक्सिमम कैंडिडेट 64 वोट कर सकते थे, मैक्सिमम कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट इन इलेक्शन करते थे द नंबर वाज 64। यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको एक्सप्लॉइट किया, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज कर देते थे, क्योंकि जब नंबर ऑफ कैंडिडेट 64 से इंक्रीज होंगे तो ईवीएम काम नहीं करेंगे, सो इट मीन्स जो बैलेट पेपर से इलेक्शन होते थे उस एरिया के अंदर, तो इसको भी इसको भी इन्होंने क्या किया, अभी जो एक नई ईवीएम आई 2013 के अंदर, दैट इज ईवीएम 3 जो पहले थी दैट वाज ईवीएम 2। सो इसके अंदर दो तीन फंक्शन है, ईवीएम 3 इज मोर सुपीरियर एज कंपेयर टू ईवीएम 2। कैसे, ईवीएम 3 इज वी कैन से सेल्फ डायग्नोस्टिक कि जब भी उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो सेल्फ डायग्नोस करेगी, या तो बंद हो जाएगी या सिग्नल देगी। सो पहले थी ईवीएम 2 जहां पे 16 कैंडिडेट 4 यूनिट कैन बी कनेक्टेड एंड दिस लीड टू 64 कैंडिडेट। नाउ सेकंड इज ईवीएम 3। नाउ द इन द ईवीएम 3 यहां पे उन्होंने 24 यूनिट कर दिए, 24 यूनिट कैन बी कनेक्टेड राइट नाउ, सो इट मींस को मैक्सिमम 384 कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट। तो मैक्सिमम देखो पहले 64 थे, अगर इससे ज्यादा हो गए तो जानबूझकर पार्टीज करती थी विच लीड टू द इलेक्शन कंडक्टेड बाय वी कैन से थ्रू बैलेट पेपर एंड बट नाउ ईवीएम 3 इज द लेटेस्ट वर्जन, यहां पे 24 यूनिट कैन बी कनेक्टेड एंड 384 कैंडिडेट कैन बी पार्टिसिपेट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट वी कैन से द जर्नी ऑफ ईवीएम फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से न्यूयॉर्क टू इंडियाज लेटेस्ट वर्जन, दैट इज ईवीएम 3। तो ये सारे आपने याद रखने हैं, यू शुड नो द कमिटीज एज वेल, कमिटीज के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है, एंड देन दिस और दिस पार्ट आल्सो कि अगर वो बोले ऐसा कि अगर 64 से ज्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे तो बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा, नहीं अब नहीं होगा बिकॉज वी हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ईवीएम। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास, जिसके अंदर मैंने टेक्नोलॉजी डिस्कस की, उसके बाद ईवीएम की जर्नी डिस्कस की, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कोई अगर आप चाहते हो कोई और वीडियो बनाए तो कमेंट बॉक्स के अंदर रखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।